नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी में पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें अलीगढ़ विधानसभा सीट भी शामिल है। अलीगढ़ की पहचान दुनिया में ताले और तालीम के शहर के रूप में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। इस बार के सियासी रण में यहाँ कांग्रेस के मोहम्मद सलमान इम्तियाज, बीजेपी के मुख्तार राजा, सपा के जफर आलम और बीएसपी से रजिया खान मजबूती के साथ उतरे हैं। अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां वैश्य और मुस्लिम दोनों की संख्या करीब 1,40,000 है, जबकि कोली वोटर 40,000 हैं और ब्राह्मण वोटर 30,000। ये विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। इस विधानसभा सीट पर कायस्थ बिरादरी के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो उस समय यहाँ बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। बीजेपी के संजीव राजा ने समाजवादी पार्टी के जफर आलम को 15,440 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। संजीव राजा को 1,13,752 वोट मिले थे। वहीं सपा के जफर आलम ने 98,312 वोट हासिल किए थे, जबकि बीएसपी के मोहम्मद आरिफ को 25,704 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 46.22 रहा था। इस सीट पर ध्रुवीकरण के चलते सभी दल बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 5 साल तक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक रहे संजीव राजा ने विकास के कई काम कराए हैं। बीजेपी की सरकार में उनकी ओर से कराए गए कामों से जनता खुश है और इस बार भी जनता के आशीर्वाद से यहां बीजेपी का परचम ही लहरेगा। वहीं चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस, सपा और बसपा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।